The apex court on Tuesday refused to make any more modifications on Sanjay Leela Bhansali's film Padmaavat, starring Deepika Padukone, Shahid, Kapoor and Ranveer Singh. It was only last week when the apex court dismissed plea to ban Padmaavat in Haryana, Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh. Supreme Court mein mukhya nyayadhish Deepak Mishra ji ki aguwai mein ye sunwai thi. Is samay jo sunwai thi aaj usme Madhya Pradesh sarkar Gujarat ki taraf se करणी सेना की तरफ से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से सभी की तरफ से इकट्ठी सुनवाई थी. इसमें हम लोग सभी चाह रहे थे कि ऑर्डर में मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट कहती है कि मुख्यमंत्री को इतना होना चाहिए कि कहीं जहां उसे लग रहा व्यवस्था नहीं संभल पा रहे वहां वो बैन लगाए. लेकिन इसको भी वायलेट कर रही है, उस एक्ट को भी वायलेट कर रही है केवल एक फिल्म के लिए, जबकि बातें वहां रखी गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि आप इसको पहले पिक्चर को रिलीज होने दें, आगे क्या होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को देखने रिलीज जलीकट्टू को पहले बैन कर दिया गया, कहा गया एक बार बैन होने दीजिए जलीकट्टू, उसके बाद तमिलनाडु राजस्थान और साउथ के जो स्टेट थे वो जलने लगे. उसके बाद आप बर्बाद होने के बाद, आप समाज को बिगड़ जाने के बाद, आप इस तरह से शांति फैल जाने के बाद कहें कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है क्लियरली कि जनता को ये हक नहीं है कि वो अशांति फैलाए. आपको प्रोटेस्ट करने का हक है लेकिन आपको अशांति फैलाने का नहीं. बिल्कुल अशांति नहीं फैलाता है कोई, फैलाना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता. हमारा शहर, हमारा नगर, हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस, हमारी बसें, हमारे लोग परेशान हों, जाम लगे, एम्बुलेंस रुके, लेकिन लोगों में इतिहास के साथ भी खिलवाड़ नहीं चाहते हैं. वो अपने माता पद्मावती, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के साथ, ऐसी महिलाओं के साथ, अपनी रानियों और माताओं के साथ कभी ऐसा नहीं बर्बाद होना चाहते हैं. लोगों का मान सम्मान, पिक्चर देखी नहीं, आपको नहीं पता पिक्चर देख जिन्हों सीबीएसई ने हिस्टोरियंस को बुलाकर, हिस्टोरियंस ने, कपिल कुमार जी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने साफ मना किया. 3 हिस्टोरियंस से हमारी बात हुई, वो हमसे मिले, तब ये पिटीशन फाइल की गई. उन्होंने साफ तौर पे कहा है हम लोगों ने सेंसर बोर्ड को मना कर दिया कि ये फिल्म इतिहास से अलग है. इतिहास में आप अलाउद्दीन खिलजी को हीरो दिखा रहे हैं. अलाउद्दीन खिलजी इस देश के लिए कभी हीरो नहीं, विलन से विलन बार बार दिख रहा है. वो नृशंस हत्यारा रहा है हिंदू समाज का. अगर उसको यहाँ हीरो बनाया जाएगा ये हिंदू समाज कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा. आपको कैसे पता पिक्चर में क्या है? हिस्टोरियंस ने 3 इतिहासकार, कपिल कुमार जी और सभी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के इतिहासकार गए हैं, उन्होंने देखी है और उन्होंने अपना अपोज किया है. सेंसर बोर्ड को वो जिनको दिखाई गई फिल्म, वो तो लिख के दे रहे हैं कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, गलत है, इसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं, पूरा खिलवाड़ किया गया है. और सेंसर बोर्ड कहता नहीं, हम तो देंगे सर्टिफिकेट. किन दबाव में दे रहा है, किन के पैसों की वजह से दे रहा है, किन का पैसा लगा हुआ है, क्या मैनिपुलेशन है, ये तो जनता बताएगी. Although the makers had revoked from releasing the film in November 2017, the Madhya Pradesh and Rajasthan government had filed a plea seeking modification in the court's order which had allowed the magnum opus to release all over the country. The film has been facing backlashes since January 2017 when the film was only in its first stages of production. Sanjay Leela Bhansali's film will release on January 25th.